डेवलपमेंट का जो मॉडल हिंदुस्तान ने गुजत 20 सालों में अडॉप्ट किया है दिस इज़ रेसिपी टू डिज़ास्टर डोंट यू थिंक जो पूरे एशिया ने आ, या पूरी दुनिया ने अडॉप्ट किया वो डेवलपमेंट मॉडल वो सचमुच में डिज़ास्टर के हम लोग सीमा तक पहुंच गए हाँ हिंदुस्तान डैम पर डैम बना रहा है ये वो नेहरू का जो विजन था के डैम जो होंगे वो मॉडर्न इंडिया के टेंपल्स होंगे लेकिन हमने देखा है कि सरदार सरोवर डैम उसके नतीजे में डिस कोशनस कम्यूनिटीज़ की कल्चर की तबाही जो कम्यूनिटीज़ पूरी खड़ी उस पर ख़ासा एहतजाज भी हिंदुस्तान में हुआ है और डैम के क्या आपके ख्याल में ये जो डेवलपमेंट ऑफ़ डैम्स बड़े तादाद में एनर्जी के नाम पर हो रहे हैं ये कंटिन्यू रहना चाहिए मैं तो शुरू से बांधों के ख़िलाफ़ हूँ मैं बहुत सख्त से सख्ती से यहाँ ही नहीं जो यूरोप ने बांध बनाया है जो चीन ने भी बांध बनाया है जो हिंदुस्तान बना रहा है मैं तो सोचती हूँ एक तो ये काम करते नहीं हैं इनकी जो बिजली होती है वो मिलती तो है नहीं उसकी वजह से फ्लड्स होते हैं बहुत लोग अपने बेघर होते हैं तो आई एम आई हैव ऑलवेज बीन अगेंस्ट डैम्स एज ए वे ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इट्स एन एक्सट्रीमली इनिफिशेंट एंड सिली मेथड अमेरिका ने भी छोड़ दिया था उन्होंने जो टी वी टेनिस वैली अथॉरिटी बनाई थी और वो बांध बनाना शुरू किया और उसके बाद छोड़ दिया था तो हाँ हम लोग कभी कभी क्या होता है कि जो टेक्नोलॉजीज चलते आ रहे हैं बस वो चलते ही आ रहे हैं कि जो बंदा है जिसके पास थोड़ी सी दम हो वो कह दे कि नहीं ये नहीं ठीक है बस ख़त्म करो मामला ये जो डेवलपमेंट का मॉडल है इसके अंदर जो सस्टेनेबिलिटी का प्रॉब्लम है वेस्ट भी मना करते वेस्ट के जो इंटेलेक्चुअल्स है और जो यहाँ के इंटेलिजेंसिया है वो भी इसके ख़िलाफ़ है लेकिन इतना इकोनॉमिक प्रेशर है दुनिया का कि इस डेवलपमेंट मॉडल्स को और ख़ास तौर पर जो हिंदुस्तान का इमर्जिंग मिडिल क्लास है जो प्रॉस्पर हो रहा है ऑन द एक्सपेंस ऑफ मिलियन हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल तो ये तो कंटिन्यू ऐसा लगता है कि आपके पास पॉलिटिकल लेवरेज क्या है इसको, इसको स्टॉप करने का नहीं हम नहीं स्टॉप करना चाहते हम नहीं स्टॉप करना चाहते हैं, हैं। ज़रूरी है कि हर एक के, के जो सपने हैं वो पूरे हो जाए लेकिन ये ज़रूरी है कि आ, सपने भी डिसिप्लिन में आ जाए अगर आप चा, सोचते हो कि वो वक्त रह गया है जिसमें हर एक आदमी छः गाड़ियाँ ले ले और उसके लिए तेल भी आ जाए तो वो मुमकिन ही नहीं है ना हमारे लिए ना अमरीका के लिए वी हैव टू नाउ लुक एट न्यू वेज़ टू डेवलप कि वही खुशी आखिर हम लोग डेवलप क्यों करते खुशी पाने के लिए तो अगर हमारी खुशियाँ भूटान की तरह कम में ही हो जाए तो कितना मज़ा आता तो अगर आपने मुझे खिला खिला करके लड्डू खिला करके जलेबी खिला करके मुझे कह दिया है कि ये तुम्हारी खुशी है तो मुझे तो डायबिटीज़ होना ही होना है अगर आप मुझे मिठाई खाने के बजाय मुझे खुराक अच्छा दे सब्जियों का चावल का वीट का और मेरी बॉडी को ट्रेन करें कि मैं वही मांगूँ तो फिर मैं भी जी आप भी जी ऑफ द गवर्नमेंट इट्स शुड बी अ री ऑफ पॉलिटिशियंस

आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को किस तरीके से कोऑपरेशन करना चाहिए ताकि उनकी बढ़ती हुई जो एनर्जी की दोनों मुल्कों में नीड है वाटर का हमें प्रॉब्लम आ रहा है दोनों मुल्कों को इतना बड़ा और बंजर होने के लिए हम जा रहे हैं तो हमें उस सिमत में क्या करना चाहिए पाकिस्तान हिंदुस्तान को ताल्लुक़ के हवाले से एनर्जी की प्रोडक्शन में नहीं। पाकिस्तान हिंदुस्तान अगर एक भी हो जाए तब भी उनके एनर्जी नीड्स का कोई टका फ़र्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि आप हम लोग बहुत ज़्यादा लोग हैं अगर आप लोग बंजरपन की बात कर रहे हैं एक ही वजह है पाकिस्तान बंजर होने का और हिंदुस्तान बंजर होने का और वो है मांस खाना आखिर आपके जो सारे बकरे जो उगा रहे हैं सब्जियों की तरह खाने के लिए वो सब के सब जंगलों में जाकर के खा खा रहे हैं हिल साइड्स पर खा रहे हैं अब एक बकरा चार एकड़ खाता है कटने से पहले तो आप चार एकड़ को बंजर करते हैं एक एक बकरा खा करके तो फिर कौन आपकी मदद कर सकता है और एक दफ़ा वो बंजर हो जाए तो वही चार एकड़ को फिर से हर हरा करने के लिए पचास हज़ार रुपए लगते हैं जो ना आपके पास है ना हमारे पास है सो वी हैव टू चेंज आ ईटिंग फर्स्ट हम दोनों देशों में फिर ये बांधों को बंद करके वो पानी को इस्तेमाल करना चाहिए अक्लमंदी से तीसरा वो जो कैश क्रॉप्स है जो बहुत ज़्यादा पानी लेते हैं बेवजह उनको हम लोगों को एक और तरीका ढूंढना पड़ेगा उनको उगाने के लिए दीजा और फिर जो चौथा हम लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं हम जैसे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मीट एक्सपोर्ट करते हैं मिडिल ईस्ट में भी तुम्हारे अपने बंजर हो रहे हैं तुम्हारे पास अपना पानी नहीं है कुछ भी नहीं है आखिर बकरा है क्या गेहूँ और पानी और आप दोनों को बेच करके ढाई सौ रुपये में बेच रहे हो जब आपको पचास हज़ार रुपये लगते हैं ठीक करने में तो वाई वी एक्सपोर्टिंग लेदर वाई मीट वाई चिकन दीज आर एनर्जी इंटेंसिव तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा क्या हम अपना पेट काट करके पूरी दुनिया को खिलाते जाए पॉपुलेशन पे आप क्या कहेंगे दोनों को कम करना पड़ेगा और जबरदस्त कमी आनी चाहिए एकदम ये नहीं कि पचास साल बाद और ये नहीं कि एजुकेशन एजुके के बाद ये इस पर तो जबरदस्त अब रोक लगानी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास है ही नहीं कुछ तो या तो आप रायट्स के जरिए हो जाएगी या तो दुश्मनी बढ़ती जाएगी जात और जात कौम और कौम क्योंकि एक वजह चाहिए दुश्मनी का जब आप एक के ऊपर एक जी रहे हो तो जाहिर है कि माँ बेटे भाई बहन सब लड़ने वाले हैं तो इससे अच्छा कि हम यू you नो know, हम पचास साल में जितनी पॉपुलेशन हिंदुस्तान और पाकिस्तान की मिल करके होती थी आज वो अकेली पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश के है सो हाउ कैन यू सस्टेन इट पाकिस्तान और हिंदुस्तान दुनिया के चार बड़े मुल्कों में सबसे ज़्यादा असला ख़रीदने वाले मुल्क हैं हमें इस सिलसिले में क्या करना चाहिए कि ये असलाह कम हो जाए लड़ाई कम हो जाए लोग खुशहाल हो जाएँ एक दूसरे के मुल्क में आने जाने लगें या यूरोपियन यूनियन में हम एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर में जाते हैं पता भी नहीं लगता लेकिन हमारे यहाँ हम अभी भी अगर हम लोग दोस्ती कर लें तो कितना मज़ा आता अगर हम लोग उल्लू ना बनते कि हमारा सारा पैसा असलों में चले जाए एक दूसरे को मारने के लिए जिसमें से इसराइल रिच yeah, हो जाए हमको बेच करके या अमरीका रिच हो जाए या कहीं आर्म्स डीलर जो लंदन में रहते हैं वो हमको बेचें कितना मज़ा आता अगर हम लोग दोस्ती कर लेते नो दोस्ती में जितना मजा है दुश्मनी में तो कभी हो ही नहीं सकता बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू वेरी मच